हिल के बिखरने को खिल के है गुल यहाँ, मिल के बिछड़ने को दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं एक ऐसे कलाकार के शहर में जिन्होंने तीन नायकों को महानायक का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनकी आवाज के जादू से देवानंद सदाबहार हीरो कहलाए, राजेश खन्ना सुपर सितारा हो गए। कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा, और अमिताभ बच्चन महानायक कहलाए। तो अभी मैं पहुंचा हूं किशोर कुमार जी के पैतृक शहर में जिसका नाम है खंडवा। पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है खंडवा पुलिस, और जहाँ पे मैं अभी हूँ ये है बॉम्बे बाजार, और यहाँ पे किशोर कुमार जी का घर है थोड़ा सा आगे। तो अभी हम चलेंगे किशोर कुमार जी के घर पे, और इस साइड में वो दुकान है जहाँ पे किशोर कुमार जी दूध जलेबी खाया करते थे। खंडवा की दूध जलेबी बहुत ही फेमस है। तो पहले घर पे चलते हैं, घर आपको दिखाएंगे, फिर हम उस दुकान पे भी चलेंगे और आज खुद भी खा के देखेंगे कि खंडवा की जो दूध और जलेबी है वो कितनी फेमस है। तो दोस्तों अभी हम लोग किशोरदा के जो घर है पुस्तैनी घर उसके सामने खड़े हुए हैं। क्या नाम है अंकल आपका? सुनील ठक्कर। मैं खंडवा में 35 साल से हूँ। अच्छा, और 87 में जब उनकी डेथ हुई थी तो हम भोपाल थे कंपनी में, लेकिन वहाँ अंतिम यात्रा में आए थे। एक संस्मरण मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी डॉक्टर गौरीशंकर ठक्कर मेडिकल कॉलेज इंदौर में पढ़ रहे थे फाइनल में। उस समय किशोरदा क्रिश्चियन कॉलेज फर्स्ट ईयर इंदौर में पढ़ने गए। मेडिकल कॉलेज में पिताजी के एनुअल फंक्शन में किशोरदा गाने गाने आए। जब वो अशोक कुमार हीरो के भाई के रूप में बड़े भाई हीरो बन गए थे, तो किशोरदा ने सहगल के गाने गाए। सब ने कहा किशोर बहुत अच्छे गाए, तो फादर ने उनको बधाई दी। फादर डॉक्टर ठक्कर और किशोरदा ने साथ में चाय पी कैंटीन में। अच्छा, फादर बोले यार किशोर भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो। बोले हाँ, वो अशोक कुमार जी भाई साहब बम्बई बुला रहे हैं। अच्छा, पहले बोले आप तो वाकई कलाकार हो। तो वो बताते पिताजी की बड़े स्टाइल से बात करते थे, सफ़ेद हाफ शर्ट काली पैंट और चप्पल और टोपी पहनते थे। उसके बाद बोले फर्स्ट ईयर किया उनने और मुंबई चले गए। सन 46 में मुंबई गए और 48 में उनको ब्रेक मिला पहला फिल्म जिद्दी, मरने की क्या दुआएं मांग। उसके बाद तो वो फिर आगे बढ़ते। अच्छा, बताया तो ऐसा जाता है जैसे जो अशोक कुमार जी थे उन्होंने जो अपनी पहली फिल्म जो साइन की थी इसी घर में की थी। हाँ, वो भी किस्सा मुझे क्लियर नहीं है। एक संस्मरण है कि पहली फिल्म कैसे मिली, पहली फिल्म यही स्टार्टिंग हो गई। हाँ, इसी घर में। जिद्दी का डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश था, किशोरदा 11th में थे 45 में, और अशोक कुमार को मिलने कोई डायरेक्टर आए जिद्दी के खेमचंद प्रकाश। किशोरदा बाथरूम में नहा रहे थे ऊपर। हाँ, बैठक में अशोक कुमार को मिलने बम्बई से डायरेक्टर प्रोड्यूसर खेमचंद प्रकाश आए। उनने आवाज़ सुनी, बोले अशोक दादा ये कौन गा रहा है? बहुत अच्छी आवाज़। बोले मेरा भाई है, वो ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेता है, वो तो एक्टिंग करेगा। खेमचंद प्रकाश के दिमाग में बात रह गई। जब वो 46 में बॉम्बे पहुंचे तो किशोरदा ने कोरस पर गाया 2 साल। अचानक खेमचंद प्रकाश ने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हारा गाना सुना था खंडवा में। हाँ, मैं वही हूँ। पहला गाना उसी आधार पर, फिल्म जिद्दी सन 48, एक्टर देवानंद थे, वो गाना था मरने की दुआएं क्या मांगू। पहला गाना 48 में किशोरदा। मरने की दुआएं क्यों मांगू। एक अपनी दुकान है पोहे जलेबी की, अब तो उनके दादा ही शांत हो गए, उनके बेटे उनके पोते हैं। किशोरदा बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला 8-10 साल की एज से, 16 साल तक, 7-8 साल, सवेरे डेली नहा धो के 8-9 बजे लाला जी की दुकान पर पोहे जलेबी खाते थे। इसलिए कविता बोलते थे वो कि दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। उनकी इच्छा बहुत, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मतलब यहाँ से ब्रेक लेने के बाद, काम करने के बाद मेरे को खंडवा जाना, कुछ दिन यहाँ पे रहना नहीं मिला। लेकिन उन्होंने वसीयत में लिखा था, अगर मैं चला जाऊँ जल्दी तो मेरा अंतिम संस्कार खंडवा में किया जाए। वैसे ही डेट हुई 13 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को बॉडी आ चुकी थी यहाँ 14 को। 15 अक्टूबर को सुबह से शाम हो गई, उनका अंतिम मूल मकान से बॉडी निकली और मुक्ति धाम तक पहुंची। वैसे ही उनके हिसाब से बैलगाड़ी में खंडवा में उनका अंतिम संस्कार 15 अक्टूबर सन 87 में। ये किशोरदा खंडवा का प्यार। Thank you.
चुका हूँ जो लाला जी जलेबी भंडार है ना पीछे, यहाँ पे ये शॉप दिख रही है। इस भीड़ को देख के, ये जो बाइक वगैरह लगी हुई, इससे देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फेमस दुकान है और बहुत ज्यादा भीड़ है अंदर, बहुत सारे लोग इसमें खा रहे हैं। तो चलते हैं, अभी जो दुकान के ओनर हैं उनसे बात करते हैं। यहीं पे किशोर कुमार जी जो थे वो दूध और जलेबी खाया करते थे, सामने उनका मकान है यहाँ से उस साइड में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्की शर्मा। लक्की शर्मा जी, कितनी पुरानी शॉप है अपनी ये? अपनी शॉप को हो गया 80 से 85 साल। 80 से 85 साल। और क्या क्या बनाते हैं आप? हम समोसे, पोहे, जलेबी, मावे की जलेबी, कचौरी। ये वाली मावे की जलेबी है, जरा नजदीक से दिखाओ। ये वाली मावे की जलेबी है, इसमें अंदर आप लोग मावा भरते हैं? मावा कैसे डालते हैं मावे को? मावे को दूध के साथ फेटा जाता है, उसमें अरारोट मिला के जलेबी बनाई जाती है। जलेबी ये वाली पॉपुलर है या ये वाली? यहाँ की ये वाली दूध और जलेबी देखते हैं ना। अभी दूध नहीं है, आप दूध बंद कर दिया? अभी दूध बंद कर दिया। किशोर कुमार जी यहीं पे खाया करते थे जलेबी। चलिए तब अंदर चलते हैं और हम भी दूध और दूध तो है नहीं ना, जलेबी और पोहा चेक करते हैं कैसा टेस्ट है। पोहा समोसा यहाँ पे मिक्स करके खाया जाता है जी। आप कितने दिनों से यहाँ पे खा रहे हैं इस दुकान पे? बहुत दिनों में वैसा यहाँ आता हूँ। काफी फेमस दुकान है ना जी। किशोर कुमार जी यहीं पे आया करते हैं जी। लाला जी की दुकान है जी, लाला जी जलेबी। इसके अंदर मावा भरा हुआ है। दोस्तों अभी हम जो लाला जी की दूध जलेबी वाली दुकान थी वहां से डायरेक्ट अभी हम पहुंचे हैं उस स्मारक स्थल पे जहाँ पे किशोर कुमार जी का स्मारक स्थल बना हुआ है। ये मेन रोड है जो उज्जैन की तरफ जाता है और सामने यहाँ पे ये स्मारक बना हुआ है। स्मारक के ऊपर वहां पे लिखा हुआ है किशोर कुमार मुक्ति धाम, यानी ये जो मुक्ति धाम है ये किशोर कुमार जी के नाम से है। उस पे लिखा हुआ है जय श्री राम, 2008 में बना है, और उधर लिखा हुआ है खंडवा, और यहाँ पे ये स्मारक स्थल बना हुआ है। किशोर कुमार जी की यहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई है। और यहाँ पे इसके खुलने का समय है सुबह 9 से 12 तक खुलता है और फिर 2 से 6 तक खुलता है। थोड़ी देर वेट करते हैं फिर आप लोगों को दिखाएंगे जब ये खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी गार्ड वगैरह कोई नहीं है। अंदर चलेंगे फिर आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जो स्मारक है किशोर कुमार स्मारक, इसके अंदर आ गए हैं। चारों तरफ से दिखाइए, और यहाँ से ऊपर ये किशोर कुमार जी का स्टेचू बना हुआ है। ऊपर चलते हैं, ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं। इसके जस्ट पीछे ही शमशान घाट है, पीछे वो जो दिख रहा है वहाँ पे शमशान घाट है, और ये अलग से ही समाधि स्थल बनवाया गया है। जो स्मारक है काफी सुंदर बनी हुई है, काफी अच्छी स्मारक बनी हुई है। ये यहाँ पे स्मारक बनाया गया है, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था ना वो पीछे यहाँ पे शमशान घाट है, वहां पे जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था उसको पक्का करके बनाया गया है। तो वो भी पीछे चलेंगे, पीछे आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पे कुछ अस्थियाँ उनकी यहाँ रखी हुई हैं और यहीं पे उनका स्मारक बनाया गया है। जैसे कि अगर कोई महापुरुष जैसे होते हैं तो उन लोगों की कुछ अस्थियाँ रख लेते हैं, जहाँ पे उनका स्मारक बनाते हैं वहाँ पे अस्थियों को रखा जाता है, बाद बाकी अस्थियाँ जो रहती हैं उनको विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसे ही उनकी भी अस्थियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार जहाँ पे हुआ था वो पीछे शमशान घाट है, वहाँ पे वो बना हुआ है। तो थोड़ी सी दूरी पे है, उसको भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो ये अंकल जी यहाँ पे रहते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सर ये राकेश कनारे। राकेश कनारे? हाँ। आप अकेले रहते हैं और तो कोई इधर स्टाफ है नहीं? एक दो लोगों की व्यवस्था है बस, अकेले ही रहते हैं सर। अच्छा, तो जिस टाइम पे मतलब दादा का अंतिम संस्कार इधर हुआ था आप थे ना उधर, तो अंतिम संस्कार दादा का पीछे किया गया था पूरा? हाँ, दादा का मतलब बॉम्बे से बकायदा खंडवा
उनका डेड बॉडी लाए थे। ठीक। लोकल लोगों के दर्शनों के लिए एक दो रोज उनके पैतृक मकान जो है सिटी में वो दर्शन होके आए हम लोग, वहाँ पर उनको दर्शनों के लिए एक दो रोज के लिए वहाँ रखा था। तीसरे रोज फिर उनको यहाँ पे ला के पीछे जो शमशान घाट है, हाँ, पीछे मुक्ति धाम है उन्हीं के नाम से। अच्छा। वहाँ पे उनका फिर उनका अग्नि दहन हुआ था सर। अच्छा, मतलब ये गेट भी 2008 में बनाया ना सर उन्हीं के नाम से। इसका 4 अगस्त 2008 का ये गार्डन पूरा डेवलप हुआ था 2.5 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको डेवलप। अच्छा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनवाया है ये स्मारक, इसको 2.5 करोड़ की लागत से 4 अगस्त 2008 को बना के तैयार किया। पीछे जो है ना अंतिम संस्कार जहाँ पे हुआ था वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे पीछे चल के। अभी हम शमशान घाट पहुंच चुके हैं, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है किशोर कुमार समाधि स्थल नगर पालिका निगम खंडवा, तो इसी के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं उसको पक्का करके बना दिया है। और चलो दिखा देते हैं, वहाँ पे किशोर कुमार जी का एक फोटो लगा हुआ है काफी बड़ा, ये बनी हुई है किशोर कुमार जी की समाधि। यहाँ पे लिखा हुआ है उनके जन्म की तारीख 4 अगस्त 1929, और यहाँ पे लिखा हुआ है अवसान, जिस दिन इनकी डेथ हुई थी वो था 13 अक्टूबर 1987। ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद इनको 15 अक्टूबर को यहाँ पे मतलब इनका अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है वही, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने काफी मेहनत की थी। सुबह हम 6 बजे के करीब निकले थे महेश्वर से, महेश्वर से ये लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ हम पहुंचे लगभग 10 बजे हम यहाँ पे पहुंचे थे, और उसके बाद इनके घर पहुंचे, घर आप लोगों को दिखाया, फिर जहाँ पे इनका स्मारक बना हुआ है वो दिखाया, अभी हम लोग समाधि स्थल पे इनके खड़े हुए हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।